इस बार मोदी सरकार जाने वाली है, किसी का बाप नहीं बचा सकता। अब क्रांति होगी, माफ नहीं पाएंगे। मैं खुद कह रहा हूँ मोदी चोर है, मोदी चोर है, हो जाए मेरे ऊपर। इसको लूट लूट के ना, जो अडानी का जो पेट भरा जा रहा है, अडानी पे सवाल उठाते ही नहीं। आर्मी से हम लोग, आर्मी गुलाम बना दी। लोकतंत्र की बात है, अगर राहुल गांधी सदस्यता जिस तरीके से दबाव डाल रहा है, ये बहुत गलत है और इसका सभी को विरोध करना चाहिए। हम भी खड़े हैं राहुल गांधी के साथ इस मामले में। जनता की आवाज उठा रहे हैं, कांग्रेस को दमन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पुलिस यहाँ से डिटेन करके लेके जा, कोई नहीं रोक रहा। इस बार मोदी सरकार जाने वाली है, किसी का बाप नहीं बचा सकता। और नहीं अगर चुनाव हुआ तो ये झेलने के लिए तैयार है अंधभक्त, और जितने भी इनके जो एना सेना जो बना रखी है इन्होंने दल फल, ये सब अपने देखना कहाँ घुस जाएंगे। ये जमीन नजर आते हैं जब इनकी सरकार बन जाती है, उससे पहले किसी को गाय नजर नहीं आती, किसी को हिंदू नजर नहीं आता, किसी को कुछ नजर नहीं आता, किसी को देवी देवता नजर नहीं आते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट नंदा भाई राजपूत जी हैं। इनसे बात करेंगे, जिस तरीके की उथल पुथल पूरे देश में मची हुई है, क्या कहेंगे सर? अभी हाल ही में एक फैसला आया जिसके तहत राहुल गांधी की सदस्यता चली गई और पूरे देश में हंगामा हो गया, कैसे देखते हैं? मैं देखता हूँ ये तो तानाशाही है और ये गुंडागर्दी है और ये उग्रवाद है, एक आतंकवाद है। लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात है हमारे संविधान के ऊपर जिस तरीके की इन्होंने हरकतें की हैं। आप ये राहुल गांधी की सदस्यता ही क्यों ले रहे हो? औरों के साथ भी ऐसा हो सकता है, कोई और सांसद भी होता उसके साथ भी ऐसा होता तो हम सब लोग आवाज उठाते और उठानी चाहिए, चाहे किसी भी दल के लोग हों। उनके साथ इस प्रकार का जो अभद्र व्यवहार किया जाता है, संसद से बाहर निकालने की एक साजिश रची जाती है, अगर कोई सवाल उठाता उस सवाल का जवाब नहीं मिलता और सरकार उस दबाव की स्थिति में आने के बाद वो तानाशाही रवैया दिखाती है और जेल भेजने की बात करती है। और इसमें जहाँ तक कोर्ट की बात है, मुझे लगता है कोर्ट भी कहीं पक्ष इसने जो सरकार का लिया और सरकार के इशारे पर कोर्ट ने काम किया है। ये सरकार का तो पक्ष नहीं बनता ना, भाजपा कह रही है प्रधानमंत्री को मोदी को चोर कहा था इस वजह से ये कार्रवाई हुई है और जो कानून है वो तो अपना काम करेगा। मैं खुद कह रहा हूँ मोदी चोर है, है मोदी चोर है, हो जाए मेरे ऊपर, कर दो, आ जाओ ले जाओ उठा के। आप भी कहोगे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं तो हत्या करो ना, चोर है तो चोर है भाई। सवाल पूछेंगे उसका जवाब नहीं दोगे और आप एकदम मुकदमा कर दोगे। चोर कोई नई चीज है? कौन सा मोदी चोर है? पहले लोग इतना भी कहते थे कि गली गली में चोर है, इंदिरा गांधी चोर है, तब तो कभी मुकदमे नहीं हुए। आज चोर हो गए ऐसे बहुत लोगों ने कहा। हम भी छोटे छोटे बच्चे होते थे किसी टाइम में, कहा था जब नसबंदी का माहौल चल रहा था, लोगों ने कहा कि गली गली में चोर है इंदिरा गांधी, गली गली में चोर है इंदिरा गांधी चोर है, तब तो किसी के ऊपर ऐसे मुकदमे नहीं बने। मगर इस प्रकार से ये तानाशाही है, जो अगर लोकतंत्र में हम किसी को चुनते हैं, चाहे किसी की सरकार है, हम उससे सवाल पूछने का हकदार। अगर सवाल नहीं देता तो आदमी चोर है, प्रश्न चिन्ह तो उठाएगा ही उस पे, तो प्रश्न कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो है भाई। चोर ही कहेंगे, चोरी मतलब कि मन में चोर है, कहने का मतलब है उनके मन में चोर है तो उसे चोर भी कह दिया तो क्या दिक्कत है? अगर चोर नहीं है तो आप प्रधानमंत्री हैं, एक बात बताओ, प्रधानमंत्री तो क्या माँ के पेट से पैदा होके आए थे? प्रधानमंत्री यहाँ की जनता और आवाम ने बनाया, समझे? नहीं, माँ के पेट से जरूर पैदा हुए, मगर यहाँ प्रधानमंत्री जो पैदा किया, यहाँ के लोकतंत्र ने पैदा किया, यहाँ की आवाम ने पैदा किया, यहाँ की जनता ने पैदा किया, और उसका सवाल है, जनता तुम्हारी माँ और बाप है प्रधानमंत्री की, अगर सवाल और जवाब वो पूछ रही है तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोगे, जेल भेज दोगे। कह रहे ओबीसी समाज का अपमान कर दिया है मोदी को चोर बोल के। किसने? राहुल गांधी ने, ऐसा बोला जा रहा है। कौन है ओबीसी? अरे मोदी को ओबीसी का, अरे तो कागजी ओबीसी है, तो नकली ओबीसी है मोदी। हाँ, ये ओबीसी है ही नहीं, नकली ओबीसी है, कागजी ओबीसी है। कैसे? हाँ, ये कागजी बनिया है ये, समझे? जब ये मुख्यमंत्री हो तो अपना जो इसने समाज था वो ओबीसी कैटेगरी में डाल के ओबीसी बना, तो ये ओबीसी थोड़ी है। उन पैदाइशी ओबीसियों का भी हक मार चुका है ये कागजी ओबीसी है, समझे? यो तो ये ऐसा नहीं है कि ये ओबीसी है या पिछड़े समाज से है, पिछड़े समाज से नहीं है। इसका इतिहास देखो, इसके समाज के कभी आदमी पिछड़े नहीं है, ये पिछड़ा बताता रहा, ये कहता रहा मैं चाय बेचता रहा हूँ, और चाय बेचते रहे तो छोटा बच्चा मगरमच्छ चिल्लाएगा, आरएसएस के कपड़े पहनेगा, टोपी पहन के फोटो खिंचवाएगा। बताओ उस जमाने में अच्छे अच्छे परिवार के लोग फोटो नहीं खिंचवा पाते थे, और ये चाय बेचने के बाद इसकी फोटो खींचती थी, बड़ी अजीब सी बात है। तो ये कहाँ से पिछड़ा है? पिछड़ा कहीं से नहीं है, इसने ओबीसी समाज को भी धोखे में रखा,
और ओबीसी होता तो ओबीसी के लोगों को आरक्षण देता, ओबीसी को क्यों नहीं दिया? तो है। कहां दिया, कहां है आरक्षण? अरे कहां है ओबीसी का रिजर्वेशन? अच्छा, आज की डेट में देखिए, मध्य प्रदेश में छीन लिया, उत्तर प्रदेश में छीन लिया, बताओ कहां नहीं छीना उत्तर प्रदेश? हमें कहीं आरक्षण नहीं है इनको, ओबीसी वालों को। ओबीसी वाला जो जनरल वाले है उनसे भी महा जनरल वाला है ओबीसी। अच्छा, समझे कि नहीं? अलग से चार्ट पार्ट होती है, देखिए और क्या अलग से हो ही रही है। जिस ओबीसी की बात करते, ओबीसी होता तो क्यों, तो भाई ये सर्वणों को 10% आरक्षण देता, ओबीसी को देता ना आरक्षण? अरे खुद को ओबीसी बता रहे हैं मोदी, भाई कहीं कहीं भाई ओबीसी नहीं है, झूठा है प्रधानमंत्री भाई, मैं तो कह रहा हूँ झूठा है। कागज बना लो अपने हिसाब से, आप सत्ता में बैठ के अपने आप को कुछ भी घोषित कर दोगे क्या? ये तो विश्वगुरु घोषित कर देगा अपने आप को, ये पूरे देश का दुनिया का नेता बना देता अपने आप को। वो तो है भाई, सबसे बड़े काय के नेता है भाजपा के। अरे भाई कुछ नहीं, अपने आप ढोल मजीरे ले जाते हैं और पीट लेते हैं और कहते हैं डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, वो दिख रहा है, ये देख तो रहे हैं, दुनिया देख रही है कि कैसे लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा भारत के अंदर, ये दिख नहीं रहा इनको? भारत के अंदर नहीं किया जा रहा है, वो तो राहुल गांधी अपमान करके आए भारत का। भाई कहाँ अपमान कर दिया, किसने अपमान कर दिया? क्या क्या है, लोकतंत्र खत्म? अरे लोकतंत्र खत्म हो रहा तो सच्ची बात कह दी तो क्या कह दिया, कहेगा नहीं आदमी? लोकतंत्र के तहत जो सजा हुई है मेरे बात सुनो। अरे भाई लोकतंत्र में जब बैठे हैं लोग, वैसी दरिंदे टाइप के लोग बैठे हैं जो ये चाह रहे हैं कि जो देश के हित में जो आवाज उठा दे वो आतंकवादी हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है, माओवादी हो जाता है, नक्सली हो जाता है इनके लिए। तो भाई ये सारे, हम तो सारे जो आवाज उठा रहे हैं सब नक्सली है, माओवादी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है। एक तुम ही राष्ट्रभक्त पैदा हुए हो, समझेगा नहीं, जो तिरंगे को खुद जलाते आए आरएसएस के लोग, उनकी पैदाइश हो तुम और हमें कहते हो देशद्रोही आतंकवादी। तो कह रहे देश का बेटा हूं, ऐसे आत्मा कौन से प्रधानमंत्री? तो हम कब कह रहे हैं कि देश का बेटा नहीं है? हम कह रहे हैं तू देश का बेटा है तो क्या इसका मतलब है सबकी हत्या कर देगा? हम तो नहीं कह रहे कि देश का बेटा नहीं है, देश का बेटा बन के तो दिखा। भारत माताओं की इज्जतें लूट रही हैं, रातों रात उनकी चिताएं जलवा दी जाती हैं इज्जत लूटने के बाद। भूल गया क्या बुलंदशहर को? भूल गया क्या हाथरस कांड को? मैं ये दिखाई नहीं देता, यहाँ न्याय नहीं मिलता? अमित शाह तो कह रहे हैं रात में भी गहने पहन के निकल सकती है नारी। भाई कहाँ से पहनेंगे, गहने छोड़ दिए क्या? नोटबंदी के नाम पे देश को लूट लिया, कोरोना के नाम पे देश को लूट लिया, जीएसटी के माध्यम से देश को लूट लिया, नमक और रोटी पे जीएसटी लगा ली, कफन पे जीएसटी लगा ली, लोगों की सांसों पे जीएसटी लगा दी, किस पे जीएसटी ने लगाई है? तो आदमी के पास बचा क्या है जो गहने बता रहा है, समझे नहीं? देश को लूट लूट के ना जो अडानी का जो पेट भरा जा रहा है, अडानी पे सवाल उठाते ही ना हिंदू राष्ट्र याद आ जाता है इनको, समझे नहीं? ताकि अडानी की कोई बात ना कर दे तो हिंदू राष्ट्र की बीमारी चला देते हैं। हिंदू राष्ट्र तो सभी की सभी बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र कौन कर रहा है? हिंदू राष्ट्र बागेश्वर। अरे भाई हिंदू वो बागेश्वर को, बागेश्वर कौन है? देश है क्या वो? तो पाखंडी है, ढोंगी है, समझे, नौटंकीबाज है वो, तो जादूगर है। कभी देखो संत कहाँ है? संत के कपड़े पहनते देखे उसको? चेक के कपड़े पहनता है, चेक के कपड़े पहनता, टोपे लगाता है जैसे जादूगर लगाते, तो नौटंकीबाज है। वो कह रहे चैन से नहीं बैठूंगा जब तक नहीं बनवा दूंगा। किसे कह रहे चैन से नहीं बैठूंगा जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दूंगा? बैठे चैन से मत बैठे, कुछ भी करे पिछवाड़ा कुटवाए, हिंदू राष्ट्र अब हिंदू है ही नहीं। पहले नंबर वो खुद अपने आप को हिंदू नहीं बताता, तो हिंदू है कहाँ इस देश में? और देख ले जाके संविधान में कि कहाँ है हिंदू, कौन है हिंदू है? ये तो मोदी भी हिंदू नहीं है, वो कहता मैं अब पिछड़ा हूँ, तो पिछड़ा है कहाँ हिंदू है? संविधान में पढ़े ना पिछड़ा कौन है, वो तो हिंदू है ही नहीं। तो किस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा तू है? पाखंड कर रहा, पाखंड फैला रहा है। पहले हिंदुत्व की परिभाषा दे, हिंदू की परिभाषा दे, हिंदू संविधान कौन सा तेरा इसका बता है? महिलाओं का शोषण करना तुम्हारा संविधान है, लोकतंत्र की हत्या करना तुम्हारा संविधान है, समझे नहीं? कोई न्याय की बात करे उसकी हत्या कर दोगे तुम, कोई अपना सवाल पूछे तुमसे लोकतंत्र में तो उसका गला दबा दोगे तुम। अरे लोकतंत्र की तो बात हो रही है, आज अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हो गई प्रयागराज में, तो सब कुछ लोकतंत्र के तहत ही तो। देखिए अतीक अहमद हो या योगी हो या वो था क्या नाम है दुबे, जो विकास दुबे, ये सब गैंगस्टर है। योगी, हाँ योगी, ये सब गैंग मुख्यमंत्री। अरे भाई मुख्यमंत्री से पहले कितने दर्जनों मुकदमे थे, अपने आप स्वयंभू बन गए, अपने मुकदमे खुद वापस ले लिए इस आदमी ने। भाई साधु के चोले में क्या गैंगस्टर नहीं थे? गैंगस्टर थे। जब इन गैंगस्टरों की लड़ाई है, इनके हमें जाना भी नहीं चाहिए। तो अहमद को सजा होगी? अरे भाई वो भी गैंगस्टर, मेरी बात, इनको भी होगी, आने दो समय। आपने नहीं देखा था सपा सरकार में यही लोकसभा संसद में आके रोते थे, बड़े बड़े आंसू बहाते थे, जैसे इनके हाथ से किसी बच्चे के हाथ से झुंझुना छीन लेते हैं ऐसे रो रहे थे।
तो समझे नहीं, तो ये गैंगस्टर लोग हैं। अच्छा। अब ये गैंगस्टर और जितने जो जितने भी क्रिमिनल विचारधारा के लोग हैं वो शासन और सत्ता पे काबिज हो गए हैं। विपक्ष में भी तो कुछ लोग तो आपसी लड़ाइयां हैं इनकी। अच्छा। चाहे अतीक अहमद हो या कोई। अब लोग ऐसे जो जितने भी लोग हैं जो इस प्रकार के गैंगस्टर इनको मसीहा समझेंगे तो देश का हालत यही होगी। तो ऐसे गैंगस्टरों से बचना चाहिए। इनको मसीहा और अपना रहनुमा समझोगे तो जनता के अधिकार छिनेंगे, निश्चित रूप से छिनेंगे। ऐसे जैसे कार्रवाई 2024 से पहले हुई है राहुल गांधी से, कैसे देखते हैं? विपक्ष को दबाने की साजिश है या सत्ता जाने का डर है क्या? देखिए सत्ता तो जा रही है, इससे इसमें कोई दो राय नहीं है। 24 में, हाँ 24 में ये लोग जा रहे हैं। और वो बात अलग है कि जिस तरीके की तानाशाही दिखा रहे हैं, इनका मुझे रवैया नहीं लगता है कि चुनाव भी होने देंगे। अच्छा। जो इनकी स्थिति है, ये चाहते हैं चुनाव ना हो, राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं और खुद ही सब कुछ बने रहे, समझे नहीं, स्वयंभू बन जाए, तो ये सोच हो सकती है। मगर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र तो खत्म होगा ही, लोकतंत्र कहां नहीं खत्म हुआ था, आपने श्रीलंका में देखा था, धर्म के नाम पर राजनीति वहां पर भी हो रही थी, वहां भी दुनिया भर के लोगों की ये धर्म की धर्म की धर्म की नौटंकी चल रही थी। धर्म धर्म की चल रही है ये देश की भी। या तो स्थिति दो होंगी, या तो चुनाव रद्द हो जाएगा और ये बैठ जाएंगे, और या फिर ये होगा या उग्रता फैलेगी। अच्छा। क्रांति होगी, तो क्रांति होगी जैसे वहां अंधभक्तों की कुटाई हुई, वैसे यहाँ पर भी ढूंढ ढूंढ के अंधभक्तों को मारा जाएगा। यहाँ की जनता बख्शेगी नहीं फिर। अच्छा। जो ढोंग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र धर्म मजहब ये जो नारे लगा रहे हैं, इनकी सबकी कुटाई होगी। देश की आवाम बहुत थक चुकी है, परेशान हो चुकी है इतनी महंगाई से, गरीबी से, भुखमरी से, सब बेरोजगारी से, सब बलात्कार की जो सिस्टम जो इन्होंने चला रखा है कि बलात्कार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, आज बेटी पटाओ की बात करने वाले ये लोग, ये उनकी असमत है, इज्जत लूट रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा बहन बेटियों को, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? तो सबको राहुल गांधी के साथ आ जाना चाहिए क्या इस मामले? किसको मैं कह रहा हूं, किसी के साथ भी चलो, हम सबके साथ हैं। राहुल गांधी अगर परेशानी आई हम साथ हैं, मगर राहुल गांधी को भी ये सोचना चाहिए था कि जब उनकी सरकार रहती तो क्या इन्होंने उन चीजों पर, उन पहलुओं पर ध्यान दिया? अगर उन पहलुओं पर ध्यान दिया होता तो आज स्थिति यह ना बनती। आप ईवीएम को बदलते उस वक्त 2012 में फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम बदलनी चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव मत कौन ही कांग्रेस ने शासन चुनाव करवाया। तो इनकी अपनी करनी है जो भुगत रहे हैं, जैसी करनी वही इनका एक ही है। इन्होंने दो पासे बना रखे हैं, रुपए के सिक्के के एक पहलू हैं, एक धर्म निरपेक्षता के नाम पे दुकान चलाएगा, एक कट्टरता के नाम पे दुकान चलाएगा, है भाई लोग चलाने वाले, समझे नहीं, तो इससे कोई ज्यादा बात नहीं है। मगर लोकतंत्र की बात है, अगर राहुल गांधी सदस्यता जिस तरीके से दबाव डाल रहा है ये बहुत गलत है और इसका सभी को विरोध करना चाहिए। हम भी खड़े हैं राहुल गांधी के साथ इस मामले में, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर हम ये चाहें कि आप कहें कि मैं कांग्रेस के समर्थन में आ रहा हूं या वैसे भी चारधारा से पीड़ित के साथ है, तो मैं पीड़ित ना, बिल्कुल कांग्रेस के साथ नहीं हूं मैं, पीड़ित के साथ हूं। ये तो अन्याय हुआ है, गलत हुआ है भाई। कोई भी सांसद होता उसके साथ इस तरीके का जो अत्याचार होता और इस दुर्व्यवहार होता और इस तरीके के अमानवीय जो काम किए जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ, उसके साथ हम सबके साथ आते और हम आज भी खड़े हैं कि ये गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। और स्थिति यह है कि कोई नहीं रोक रहा, इस बार मोदी सरकार जाने वाली है, किसी का बाप नहीं बचा सकता, और नहीं अगर चुनाव हुआ तो ये झेलने के लिए तैयार रहे अंधभक्त और जितने भी इनके जो ऐना सेना जो बना रखी है इन्होंने, दल फल ये सब अपने देखना कहाँ घुस जाएंगे। ये जब ही नजर आते हैं जब इनकी सरकार बन जाती है, उससे पहले किसी को गाय नजर नहीं आती, किसी को हिंदू नजर नहीं आता, किसी को कुछ नजर नहीं आता, किसी को देवी देवता नजर नहीं आते, किसी को ये लगता है कौन सी दीवार के अंदर देवता छुपका है, जब ही समझ आते हैं इनको, उससे पहले कोई नजर नहीं आता। अच्छा। पुलिस वाले भी आत्मनिर्भर बनाएंगे, टीए डीए सारे बेनिफिट फुट बेल्ट की नौकरी के खत्म करते हैं। आज मैं आर्मी के बारे में बोल रहा हूँ, मैं आर्मी से रिटायर पर्सन हूँ, मैंने देखा है आर्मी का भविष्य क्या है। 4 साल का जो आज नौकरी करती है ले लद्दाख में नौकरी कैसे करेगा? आर्मी में जब नौकरी करता है नौजवान तो विपरीत परिस्थितियों में करता है, विपरीत मौसम में करता है। 4 साल में एक जवान को दांत भी खराब हो सकते हैं, कोई बीमारी भी हो सकती है। 4 साल में हो गया है मेरा बेटा, निश्चित मानिए अब क्रांति होगी, रोक नहीं पाएंगे। मोदी जी को नहीं पता कि आज देश में गरीब किस हालत में हो रहे हैं। केवल 5 किलो राशन में जिंदा नहीं रह सकते। आज महंगाई भ्रष्टाचार चरम पर है।
कानून को गिरफ्तार किया जा रहा है। तुम पुलिस वाले भाई ये आपात घोषित कर देना चाहिए नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी इतनी तानाशाही कर रहा है और ये आखिरी कील साबित होगी उनकी सरकार के लिए। सैनिक क्या होता है बताएंगे? और आर्मी वाले, अरे आप पुलिस वाले इतनी वफादारी क्यों निभा रहे तुम लोग? मोदी जी अब विदेश में जाके अपने देश की बेइज्जती करते हैं। कहते हैं कि इस देश में 14 से पहले लोग कहते थे कि हम भारत देश में पैदा होकर पाप किया है। इस तरह के विवादित बोल मोदी जी विदेश में जाके बोल रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने जो जनता की आवाज उठा रहे हैं उनका दमन किया जा रहा है, कांग्रेसियों का दमन किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि पुलिस यहाँ से डिटेन करके लेके जा रही है लोगों को। जो प्रदर्शनकारी लाल किले पर आए थे मशाल प्रदर्शन में, उन्हें यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया है। आप देख रहे हैं।